थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये बेसिकली कंडक्शन के अंदर यूज करते हैं। मान लो आपके पास एक सॉलिड क्यूब है या कोई भी एक बॉडी है, सॉलिड है, तो अंदर से हीट ट्रेवल करेगी एटम्स के थ्रू। सपोज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका टेम्परेचर जो है वो हाई है, टी वन है, हॉट फेस है, और ये कोल्ड फेस है, टी टू। तो हीट ट्रेवल करेगी फ्रॉम अ हॉट फेस टू अ कोल्ड फेस। तो मान लो क्यू हीट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस। इनके बीच में दो फेसेस में जो दूरी है वो एक्स है, एक्स है। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि अमाउंट ऑफ हीट जो ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन फेस टू अनदर फेस वो प्रोपोर्शनल होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया के। एरिया कितना बड़ा होगा उतनी हीट ट्रेवल करेगी, एरिया छोटा होगा हीट भी कम ट्रेवल करेगी। तो क्यू प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, क्यू प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितने समय के लिए हीट को ट्रेवल करवाते जाओगे उतनी हीट ट्रेवल करेगी, अगर टाइम कम रखोगे तो हीट ट्रेवल कम करेगी, पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा रखोगे उतनी हीट ट्रेवल करेगी, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रेवल बिल्कुल नहीं करेगी। नेक्स्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इन दो फेसेस में अगर दूरी बहुत बड़ी होगी तो हीट बीच में ही फंस के रह जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, एटम्स ही गर्म करती रह जाएगी। तो अगर ये डिस्टेंस कम होगा हीट फटाफट एक फेस से दूसरे फेस में बाहर निकल आएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, सबको कंबाइन कर लेते हैं तो ये टर्म आ गई। एक और चीज रह गई, हीट जाएगी या नहीं जाएगी या कितनी हीट जाएगी, और वो है मटीरियल के ऊपर। मटीरियल अगर बैड कंडक्टर हुआ, वुड हुई, तो फिर लगाते रहो एरिया टेम्परेचर जो मर्जी लगाओ, हीट ट्रेवल नहीं करेगी। इसका मतलब, मटीरियल का मतलब वेदर इट इज अ गुड कंडक्टर और कितना गुड कंडक्टर, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, कॉन्स्टेंट के। के को बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो जितनी कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के हाई होगी उतना ही मटीरियल गुड कंडक्टर होगा, उतनी ज्यादा हीट उसमें ट्रेवल करेगी। अगर लकड़ हुई के जीरो बैड कंडक्टर तो हीट ट्रेवल नहीं करेगी। क्लियर है यहां तक? तो के आपको गुड कंडक्टर, कितना गुड कंडक्टर वो बताता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे हीट, हीट का फ्रॉम वन फेस टू अनदर फेस सॉलिड्स के अंदर। कभी कभी ऐसा भी यूज कर लेगा वो, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, क्यू बाई टी। तो टाइम को नीचे ले आना, के ए टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई कितना, एक्स। तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता है। तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, याद है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड भी किया था लिक्विड्स में, पॉइसलीज फॉर्मूला। देखने में ये भी ऐसा ही पॉइसलीज फॉर्मूला जैसा ही है। वॉल्यूम, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिपेंड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कुछ कुछ वैसा ही चलता है ये भी। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड वाटर करंट होता था, लिक्विड करंट था। हीट फ्लोइंग पर सेकेंड इसमें थर्मल करंट है, हीट करंट बोलते हैं इसे, दिस इज नोन एज हीट करंट। चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट, वाटर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड लिक्विड करंट, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड हीट करंट। तो एक ही तरीके का पैटर्न चलता है इसमें, ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को कई बुक्स एच लिखती हैं। एच का मतलब हीट नहीं है, एच का मतलब हीट फ्लोइंग पर सेकेंड है। तो जैसे मैंने क्यू बाई टी लिखा, मैंने क्यू बाई टी को क्या लिखा था, मैंने क्यू बाई टी को लिखा था क्यू बाई टी वॉज के ए टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसने इसको क्या लिख लिया, एच लिख लिया। तो ध्यान से देखना, के का के, एरिया का एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस को डी टी और एक्स की जगह डी एक्स। जब इसने डी टी और डी एक्स लिखा, डी टी और डी एक्स, डी टी का मतलब पूरी रॉड का एक स्मॉल एलिमेंट लिया डी एक्स, जिसमें स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस है डी टी, तो वहां पर इंस्टेंटेनियस हीट ट्रेवल कर रही होगी डी क्यू बाई डी टी। समझ आ रहा है? तो किसमें इंस्टेंटेनियस हीट की बात कर रहा है वो। तो यहां माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन इसलिए आता है इसमें कि जैसे आपने एक रॉड को लिया, एक रॉड का यहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और फिर ये 80 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट ट्रेवल करेगी 100 से 80। तो आप फाइनल टेम्परेचर क्या पुट करोगे, 80, और इनिशियल क्या पुट करोगे, 100। तो डी टी क्या बनेगा, 80 माइनस 100, जो पता ही है नेगेटिव आएगा, क्योंकि हीट ने तो मूव करना है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर, और चेंज इन टेम्परेचर में हमेशा लोअर माइनस हायर आएगा। तो पहले से ही नेगेटिव लगा दिया था कि नेगेटिव नेगेटिव के इफेक्ट को क्या कर जाए, कैंसल। मैं न्यूमेरिकल में ना तो ये यूज करूंगा, ना मैं नेगेटिव का चक्कर डालूंगा,
मैं बड़े में से छोटे टेम्परेचर को ही माइनस करने वाला हूँ, मैं पहले बता दूँ, और मैं एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा हर न्यूमेरिकल में, और ये फॉर्मूला बस, मैं इस फॉर्मूले से अपना काम चलाऊंगा। क्लियर है? बुक्स की लैंग्वेज जरूर बता रहा हूँ कि ये बुक्स की लैंग्वेज है, कैसा भी यूज करती हैं किताबें, पर मैं इसी फॉर्मूले से अपना काम चला दूंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक करके दिखाऊंगा अभी। हीट करंट और थर्मल रेजिस्टेंस क्या होती है? हीट करंट को कैलकुलेट करने के लिए आप इसको ओम लॉ से कंपेयर करें। हीट करंट मैंने क्या बताया, क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम हीट करंट है, जिसको एच से रिप्रेजेंट किया। ओम लॉ क्या कहता है? आर इज इक्वल टू वी बाय आई। तो हीट का चैप्टर क्या कहता है? जहां पोटेंशियल डिफरेंस है वहां टेम्परेचर डिफरेंस कर दो। इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस है, इस चैप्टर में टेम्परेचर डिफरेंस है। उसमें इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें हीट करंट है, उसको आई बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, और इसकी रेशियो को थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, हीट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हीट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? डेल्टा टी बाय एच, डेल्टा टी बाय एच, राइट? कंपेयर कर लिया। अब Q का फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू इन टू टाइम अपॉन एक्स। तो यहां से एक काम करते हैं, Q और T को नीचे ले आते हैं, और Q अपॉन T क्या होता है? H। तो H की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है? डेल्टा टी बाई एच। एक काम करो, डेल्टा टी बाई एच को एक तरफ रख लो, डेल्टा टी बाई एच, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास ये टर्म आ जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? थर्मल या हीट रेजिस्टेंस। तो हीट रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला आ गया। कई बुक्स इसको यूज करती हैं, हीट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन तो नहीं आती, बस ये ज्यादा फॉर्मूला ही है कि जो भी डिस्टेंस है अपॉन के ए हीट की रेजिस्टेंस है। मैं फिर भी इसको यूज नहीं करता, मैं फिर भी अपने न्यूमेरिकल में इसी को ही यूज करूंगा। मैं सारे न्यूमेरिकल कोशिश करूंगा एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो जाए। क्लियर है यहां तक? फिर भी मैंने किताबी बातें बता दी, जब आप किताब पढ़ेंगे प्लीज आपको ये ना फील हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या लिखा हुआ है। यूज करें ना करें बात अलग है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ, कहाँ यूज होती है थर्मल कंडक्टिविटी? चाय का कप गर्म करते हैं उसमें यूज होती है। अब समझ में आ रहा है कि गर्म गर्म लगता है उसमें। तो पहला, इन विंटर मेटालिक हैंडल अपीयर्स कोल्डर देन दी वुडन डोर। मेटल के हैंडल ठंडे होते हैं, वुडन के डोर वुडन के गर्म होते हैं, ठंडे नहीं हो पाते। क्यों? बैड कंडक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी है ही नहीं, तो हीट उसमें ट्रेवल करती नहीं है। लकड़ तो गर्म ही रहती है, लकड़ के घर भी गर्म रहते हैं। पहाड़ों में जाओगे तो लकड़ के घर है, क्यों? हीट इट अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो थर्मल कंडक्टिविटी है ही नहीं, तो हीट ट्रेवल करेगी नहीं। सेकेंड है, आइस इज पैक्ड इन सॉडस्ट। आइस लेने जाओ, सिल्ली, आइस की सिल्लियाँ, तो उसको ना बोरियों में डाल के रखा होता है, बोरियों से ढका होता है। क्यों? क्योंकि बाहर से गर्मी आएगी तो आइस को मेल्ट करेगी, गर्मी पहले बोरी में जाएगी तब आइस में जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी, और बोरी इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट सॉडस्ट, तो जाते 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 तो पूरा दिन लगा देगी, तब तक आइस मेल्ट नहीं होगी। आइस बॉक्स, आइस बॉक्स वो क्या है? थर्मोकोल का बना होता है, तो मोटा थिकनेस होती है ताकि हीट बाहर से अंदर आने में टाइम लगाए। आ तो जाती है पर टाइम लगाती है, तो आइस आइस उसमें रहती है। एस्किमोज में डबल वॉल्ड हाउसेज और ब्लॉक ऑफ आइस, तो बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ के घर बना लेते हैं, क्योंकि जो बर्फ के घर बनते हैं वो मोटी लेयर के बनते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो अंदर घुस जाते हैं। ठंड कब लगती है? जब बॉडी में से बॉडी का टेम्परेचर लो है, सराउंड बॉडी का टेम्परेचर हाई है, सराउंडिंग का लो है। बाहर 2 डिग्री सेल्सियस है, बॉडी का मान लो 40 है, तो हीट तो उड़ उड़ के जाएगी रेडिएशन की फॉर्म में, अपने आप ही जाती जाएगी और हमें ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो स्वेटर जैकेट डालते हैं ताकि हीट कहीं लूज ना हो जाए बॉडी की, तभी ढक के रखते हैं ताकि हीट अंदर के अंदर रहे, ठीक? तो इसलिए कपड़े डालते हैं जो जो स्वेटर और ये मोटे मोटे जैकेट्स और सब कुछ, ताकि हीट, क्योंकि जितनी ठंड है अब उसमें जाओगे स्नो गिर गई तो मोटी मोटी जैकेट डाल लोगे, क्योंकि नहीं डालोगे तो हीट लूज हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत डाउन है। तो अब इसमें क्या होगा कि एस्किमोस के अंदर भी यही है, तो उन्होंने ढक लिया, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है आइस, तो हीट निकल नहीं पाएगी बॉडी में से, तो उस घर के अंदर ही रहेगी जो आपने हट बनाया हुआ है। और रेफ्रिजरेटर आर प्रोवाइडेड इंसुलेटेड वॉल्स, फ्रिज है, वॉल्स इंसुलेशन है, ताकि हीट इंसुलेशन को क्रॉस करके जाना, बर्फ बर्फ रहेगी ना अगर दरवाजे में से बाहर निकल गई हीट, फिर तो क्या ही रह गया, रेफ्रिजरेटर, तो उसको इस तरीके से बंद करते हैं ताकि वो हीट अंदर के अंदर ही रहे।